हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल मैं मंदिर आ रखा हूँ सुबह सुबह, क्योंकि पापा मैंने कल बताया था घर पर नहीं है, तो आजकल एक दो दिन तक मेरे को ही जाना पड़ेगा सुबह भी। वैसे वरना मैं शाम को ही जाता था और सुबह पापा जाते थे, तो सुबह भी मेरे को ही जाना पड़ेगा अब दो तीन दिन तक। तो अभी फ़िलहाल मंदिर आया हुआ था मैं, और अब घर चलते हैं। ताई जी को देखो, ताई जी भी लग गई सुबह सुबह। मैंने बोला था ना उनको चैन नहीं रहता, तो आ गए यहाँ पे सुबह सुबह खेत में। तो फिलहाल दिन का टाइम हो चुका है और मैं गाय के साथ आया हुआ था, तो इनको घर ले जा रहा हूँ अभी। मतलब टाइम हुआ नहीं, थोड़ा उधर को ले जाऊँगा, फिर चलाते चलाते ले जाएंगे। और धूप काफ़ी तेज़ लगी हुई है, सुबह से ही काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है आज, और आजकल तो मतलब धूप ही लग रही है, बारिश कम ही हो रही है। इनको इसलिए आज मैं जल्दी ले जा रहा हूँ, कल गाय गाली खाई थी ना मैंने, तो इनको फटाफट से ले जाते हैं उधर की साइड, छोड़ दूंगा थोड़ा, फिर उसके बाद ले जाएंगे। आज सबसे पहले आ गए थे हमारी। तो ये भैंसे तो नहला दी मैंने, पर अभी टाइम नहीं हुआ, 11 ही बज रहे हैं और नहानों की चल रही है। गाय भी रेखा भाभी लाएगी उधर से, अभी टाइम है थोड़ा, तो मैं सोच रहा हूँ इनको नहला दूँ भेड़ को। वरना वैसे ज़्यादा टाइम नहलाते हैं ना तो वो भाग जाती है, दो तो ही आती है हाथ, वो मुश्किल से जैसे कल नहलाए थे मनोज भैया ने, तो दो ही नहला पाए। अभी टाइम है बहुत, तो मैं सोच रहा हूँ सबको नहला दूंगा आज। बहुत मुश्किल हो रहा है इनको नहलाना, क्योंकि हिल रहे बहुत ज़्यादा, मैं ही भीग गया इनके चक्कर में। बहुत सारी भीड़ नहला दी हमने, अब बस ये चार खाड़ू जो बचे हुए हैं और दो ये छोटे वाले, इनको नहलाना बाकी है। इसको भी नहलाएंगे अभी, ये भी बचा हुआ है, ये बड़ा वाला, इसको भी नहलाएंगे। अभी तक तो राखी कर रही थी मेरी मदद, पर वो वीडियो बनाएगी और मैं नहलाऊंगा इनको। यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा इनको नीचे डंडी में। पहले इस वाले को नहलाएंगे, ये छोटा वाला खाड़ू है ना, इसको नहलाएंगे। ढंग से नहीं पड़ा पता नहीं। मिंडे मोल लगे पास साफ कर। एक तो नहीं ले आ गया, अब तीन बाकी है वहां पे, मतलब तीन खाड़ू और दो छोटे वाले, उनको भी लाना पड़ेगा फटाफट से। लाता हूँ मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। एक दो यार निकाल डबल है दूरा। एक दो तीन दो हो गए, दो और बचे हैं, दो नहीं एक बचा हुआ है और दो छोटे वाले हैं, उनको भी लेके आता हूँ मैं। एक दो तीन अब दो रह गए छोटे वाले, पर एक है उनमें से सबसे बड़ा वाला, अब उसको लाएंगे। दो छोटे तो ऐसे ही है फिर। इसको ऐसे ही नहलाएंगे। ये तो उठाना मुश्किल भाई, अब इसको आखिरी बार उठाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी हो रहा है। कोशिश करते हैं एक बार और, लास्ट बार है। पहले हो गए पूरे, बस दो छोटे वाले बाकी है, उनको लेके आता हूँ फिर घर चलते हैं। क्या मस्त चमक रहे हैं, देखो सारे डिब्बे मस्त चमक रहे हैं नहला के।
बस वो दो छोटे वाले थे ना जिनको मैं बोल रहा था उनको नहीं नहलाया मैंने, क्योंकि एक रह गया था नहलाना, भेड़ मैंने देखी उस वक्त, फिर उसको नहला दिया। और वैसे भी इन दोनों छोटों को नहीं नहलाना शायद, पता नहीं, ये तो मेरे को दादी से पूछना पड़ेगा कि इन दोनों को भी नहलाना है या नहीं नहलाना, वरना कल नहला दूंगा, कल शायद कॉलेज भी जा सकता हूँ वैसे मैं, कोई पता नहीं, अगर आऊँगा तो इन दोनों को कल नहला दूंगा। पर ये छोटे छोटे हैं ना तो इनके बारे में पूछना पड़ेगा, फिलहाल घर चलता हूँ। और इन्होंने पूरा मेरे को भी भिगा दिया, देखो नीचे से ऊपर तक पूरा भिगा दिया इन्होंने, और घर जाके अब मेरे को भी नहाना पड़ेगा, पूरा गीला हो गया मैं, ऐसे बाल सुखाने के लिए ऐसे झाड़ते हैं ना तो इन्होंने मेरे को भी भिगा दिया। अभी घर चलते हैं फटाफट से, क्योंकि सबकी गाय चली गई, बस मेरी रह गई। वैसे आज तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है कल की तरह, आज गालें नहीं खानी पड़ेगी, पर घर चलता हूँ और फिर मैं भी नहा लूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने दिन में नहा वहा के खाना वाना सब कुछ खा लिया मस्त, और साग से बोल रही थी पता नहीं कुछ सरप्राइज पता नहीं क्या ला रखा उसने, एक अखबार सा बाहर एक बॉक्स आया और उसमें बाहर से अखबार लिपटा हुआ है, देखते हैं क्या है वो। इसकी शक्ल देख कर लग नहीं रहा कुछ अच्छा सा होगा, देखते हैं क्या होता है। और क्या पता नहीं क्या ला रखा है वो, सरप्राइज बोल, देखते हैं क्या है वो, पता नहीं ये राइस बॉक्स में पता नहीं क्या है। वाह ये बोलो सरप्राइज, ये जिससे वो करते हैं ना प्याज व्याज, इसको निकालता हूँ पहले, ये देखो जिससे प्याज व्याज काटते हैं ना वो ला रखा है बस सरप्राइज, ये है वो सरप्राइज, मुझे लगा पता नहीं क्या है, वैसे मैं समझ गया था कुछ खास होगा नहीं, ये है वो सरप्राइज देखो, ये बड़े सरप्राइज मस्त। हाँ 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 एक भैंसा क्या मैं खुल अब खुल यार आप खुल मैं खुल ऐसे ही ले आए कुछ भी ऐसे ही ले आए बस अपने फायदे के लिए, और बोल दिया बस सरप्राइज, मुझे लगा पता नहीं क्या है, मुझे लगा कंटेंट निकल जाएगा आज का, यही दिखा दूंगा और ला रखा है ये प्याज व्याज काटने के लिए, बताओ